तुमसे मिलने आई हूँ। अफसोस करने? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। क्या बजट इंक्रीज करने से होगी मूवी हिट? आदित्य की एवरेज एक्टिंग से कैसे होगा मूवी पर असर? क्या कर रहा है कास्टिंग डायरेक्टर को परेशान? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अपनी लास्ट मूवी ओम के फेल होने के बाद शायद हमारे चॉकलेटी बॉय आदित्य अब वापस आ रहे हैं अपने कंफर्ट जोन में। दरअसल सारे जॉनर ट्राई करने के बाद अब आदित्य वापस से आशिकी 3 के बड़े धमाके के साथ आ रहे हैं वापस फैंस को वही नोस्टैल्जिया देने। इस बार ऑल्दो आदित्य अपने लुक्स में कुछ चेंजेस करते हुए नजर आने वाले हैं अपने फैंस को इम्प्रेस करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें कि इस अपकमिंग मूवी के कास्टिंग डायरेक्टर हैं काफ़ी परेशान, क्योंकि वो मूवी की लीड एक्ट्रेस को चूज करने में हो रहे हैं काफ़ी कन्फ्यूज। एक तरफ उनकी चॉइस है हमारी गोल्डन गर्ल श्रद्धा, जो कि हमेशा से फैंस की फेवरेट रही हैं, और दूसरी तरफ हमारी न्यूली मैरिड एक्ट्रेस आलिया भट्ट। आज के जिस हिसाब से आलिया का डंका बॉलीवुड में बज रहा है, डायरेक्टर उनकी इमेज और एक्टिंग से मूवी को कर सकते हैं काफ़ी फेमस। लेकिन दूसरी ओर श्रद्धा है, जिन्होंने पहले के दो पार्ट में किया था कमाल, और फैंस आदित्य और श्रद्धा की जोड़ी को भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि कैसे डायरेक्टर लेंगे ये डिसीज़न। ये तो हो गई कास्टिंग की बात, लेकिन अब आइए बात करते हैं कैसे आदित्य कर रहे हैं बजट की स्ट्रेटजी का यूज़ मूवी को हिट करने के लिए। दरअसल ऐसा सुनने में आ रहा है कि आदित्य अपनी पिछली मूवी से सीखते हुए बन रहे हैं इस अपकमिंग मूवी के स्पॉन्सर, जिसमें वो इंक्रीज कर रहे हैं मूवी का बजट, जिससे शायद उनका मानना ये है कि वो बजट बढ़ाकर मूवी को बना सकते हैं हिट। ऑल्दो कुछ लोगों का इस बारे में मानना ये भी है कि अगर मूवी में एक्टिंग ही बिलो एवरेज होती है तो बजट बढ़ाने से मूवी में कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सलमान की प्रेम रतन धन पायो को ही ले लो, जिसमें स्टोरी लाइन काफ़ी वियर्ड थी, लेकिन मूवी का बजट अच्छा खासा था, लेकिन तब भी मूवी हुई थी फ्लॉप। तो अगर मूवी को हिट ही करना है तो जहां एक्टर्स को एक्टिंग गेम को लेवल को ऊपर करना होगा, वरना एवरेज एक्टिंग से मूवी हो सकती है फ्लॉप। तो आज के हमारी चटपटी बातों का सफ़र होता है यहीं पर ख़त्म, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखे बिना और हमारे सवाल का जवाब दिए बिना कहीं मत जाइए। और अगर साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।